हेलो दोस्तों, एके क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम क्लास 8th का चैप्टर 3 करेंगे, जो है एग्रीकल्चर, कृषि। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाना पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली चार या पांच चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, केवल खेती होती है या फिर और भी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, उसको समझेंगे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर समझेंगे, इसको इसके जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स को देखेंगे। और एग्रीकल्चर सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम तंत्र या सिस्टम, उसको देखेंगे। दूसरा, जो उसकी मेन फसलें होती हैं कृषि में, उसको देखेंगे। और कृषि का डेवलपमेंट और क्यों ज़रूरी है हमें उसको डेवलप करना, उसके बारे में जानेंगे। और एक लास्ट जो है वो, उसमें हम इंडियन जो एग्रीकल्चर है और अमेरिकन एग्रीकल्चर है, भारतीय कृषि और अमेरिकी कृषि की तुलना करेंगे कि हमारे यहाँ कृषि कैसी है और अमेरिका में कृषि कैसी होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर का टर्म जो है वो कैसे आया। तो इस टर्म, इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है, एगर और एग्री, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, ठीक है, जिसका मतलब है कि कृषि। मृदा में कुछ भी चीज़ जब उगाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कृषि। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे माइक्रोब्स वगैरह कल्चर करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं उसमें। तो मतलब कोई भी चीज़ को एक मास लेवल पे पैदा करना कल्चर कहलाता है, ठीक है, और मृदा में उसको उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मिट्टी में उसको उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। अब देखते हैं कि जो हमारा पौधा होता है, जो हमारा ट्री होता है, उससे जो भी उत्पाद है, उस उत्पाद से लेके, मतलब प्राकृतिक संसाधन से जब हम कोई परिष्कृत उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, जो रेडी टू ईट या रेडी टू प्रोसेस, रेडी टू यूज़ वाला होता है, तो उसको बनाने में हमें तीन प्रक्रियाओं को सामना करना पड़ता है। तीन प्रक्रियाओं के द्वारा वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो तीन प्रक्रियाएं यूज होती हैं उसमें, जिनको आर्थिक क्रियाओं का नाम देते हैं। तो तीन तरह की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें आता है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं में बेसिकली वो सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो, जिनका मतलब प्राकृतिक संसाधनों से संबंधन, मतलब संबंधित होती हैं, या तो प्राकृतिक संसाधन से उसका उत्पादन हो रहा हो या फिर कोई निष्कर्षण हो रहा हो। निष्कर्षण बेसिकली मतलब निकाला जाना, या जैसे मान लो कि खनन कार्य जो होता है वो सब हमारा प्राकृतिक संसाधन से होता है। जैसे उत्पादन क्या होगा, जैसे मान लो पेड़ों पौधों से हमें फ्रूट्स वगैरह प्राप्त होते हैं, फ्रूट से, ठीक है, और फसलें प्राप्त होती हैं। तो फसल से उत्पादन से हमारे जैसे गेहूँ चावल वगैरह, ये है, ये प्राकृतिक संसाधन, फसल से हमारे उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कृषि है, मछली का जो पालन होता है और उसका जो संग्रहण है, ये इसके अच्छे उदाहरण है कि प्राकृतिक संसाधन से हम लोग कोई चीज़ उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, अब यही, जब जो कृषि से जो प्राथमिक जो प्रक्रिया है ना, इस प्राथमिक प्रक्रिया का जब प्रोसेस होता है, प्रसंस्करण जब होता है, जब इसको कंपनी में या इंडस्ट्री में उसमें चीज़ें मॉडिफाई करी जाती हैं, उसमें कोई नई चीज़ उससे बनाई जाती है, उसको संसाधित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आम से अचार बना दिया गया, तो अचार जब बनाएंगे तो उसको बोलेंगे द्वितीय प्रक्रिया। ठीक है, वो सेकेंडरी प्रोसेस हो गया उसका। जैसे मान लो कि गेहूं, गेहूं से हम लोगों ने ब्रेड बना दी, व्हीट ब्रेड बना दी, ब्रेड बना दी। और जैसे फिशरी है, ठीक, फिश के पीसेस काट काट कर उसको पैक करके हमने मार्केट में दे दिया। ठीक है, तो वो प्रोसेस हो गया उसका, प्रोसेस्ड हो गया। अब जैसे कपड़ा है हमारा, कॉटन से कपड़ा बना दिया, ठीक है, डबल रोटी बना दी। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस होता है, जहाँ पर विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। और उसका जो सपोर्टिंग होता है, जो मतलब सेकेंडरी प्रोसेस को बनाने के लिए, जैसे मान लो कि कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, बैंक से
लोन वगैरह मिलेगा, बीमा वगैरह होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा बेचने के लिए, या ट्रांसपोर्ट एक बाजार तक कारखाने से चीज़ें पहुंचाने के लिए, वस्तुएं पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा। तो ये सब जो है ये जो तृतीयक प्रक्रियाओं का काम आता है, मतलब जो द्वितीयक क्षेत्र को सेवा देती है, सर्विस जो देगा वो तृतीय क्रियाओं में आता है, थर्ड उसमें आता है। तो मतलब पहले में क्या हो गया, हमारा जो नेचुरल संसाधन है, दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तीसरे में हमारा सर्विस सेक्टर आ गया। ठीक, अब देखिए कृषि क्या होता है, ये प्राथमिक क्रिया होता है, जैसे मान लो जिसमें फसलें हैं, जैसे फसल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, फूलों को उगा रहे हैं। ठीक है, पशुधन मतलब पशुपालन भी हमारा कृषि में ही आता है। ठीक है, मत्स्य पालन भी, खनन भी, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कृषि में ही आती है। अब जैसे कहते हैं कि विश्व का 50% जो जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित है, 50% पॉपुलेशन जो है कृषि में लगी हुई है विश्व की, और इंडिया की लगभग दो तिहाई दिया हुआ है, तो सेवन दो तिहाई कितना हो गया, 66% पॉपुलेशन। ठीक है, अभी करंट में अगर देखा जाए तो करंट में लगभग 50% पॉपुलेशन है इंडिया की जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति। ठीक, अब जैसे कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, अनिवार्य क्या है, तो सबसे पहले अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए। ठीक है, वो ऊबड़ खाबड़ ना हो, पहाड़ी एरिया ना हो, मैदान होना चाहिए, या मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पर मृदा हो, ठीक है, आसान हो वहाँ पर हम खेती करना। अब जैसे मान लो पहाड़ है तो वहाँ पर हमें पहले स्लोप बनाने पड़ेंगे, मैदान बनाना पड़ेगा ताकि उसकी जुताई सही से हो। ठीक है, तो वहाँ पर टेरिस फार्मिंग के लिए बनाना पड़ेगा, ज़मीन उसको फ्लैट करनी पड़ेगी, समतल करनी पड़ेगी, ठीक, ताकि वहाँ पे जुताई करके सकें और यहाँ पे पानी रुके, मिट्टी का बहाव ना हो। तो इस तरह कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मृदा मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर हम जो फसलें हैं वो उगा सकें। ठीक, जलवायु भी वहाँ अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ पे वर्षा होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी वहाँ पे कृषि अच्छी से की जा सकती है। ठीक है, अब जिस भूमि में, जैसे मान लो जिस भूमि में कृषि जो की जाती है उसको बोलते हैं कृषिगत भूमि। ठीक है, कृषिगत भूमि उसको कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे कृषि उगाने के लिए जो विश्व में जो क्षेत्र हैं उनके बारे में देख, ये मैप बना हुआ है, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक, और साउथ अमेरिकन का ये ब्राज़ील का थोड़ा हिस्सा है, और यहाँ पर ये अर्जेंटाइना का है, ठीक, उरुग्वे पराग्वे यहाँ पे आता है, अफ्रीका में बहुत थोड़ा थोड़ा जो है सेक्शन है, नाइजीरिया का थोड़ा सा है इधर है, मोरक्को का थोड़ा सा एरिया है, साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा है, मेडागास्कर का थोड़ा सा है, इंडिया का ज़्यादा हिस्सा है, यूरोप में भी काफ़ी हिस्सा है। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पेरी जैसे पाई जाती है, पेरी की घास पाई जाती है, यहाँ पे स्टेपीज पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया है, ये ईस्ट चाइना का क्षेत्र है, ठीक, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया है, यहाँ पर कृषि हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसके कारण वहाँ पर कृषिगत भूमि पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर के जो थोड़ा सा टाइप होते हैं अलग अलग से, वैसे क्या होते हैं। देखो कल्चर मैंने बोला किसी चीज़ को जो व्यापक लेवल में उगाया जाता है उसको बोलते हैं कल्चर। ठीक है, चाहे वो कीड़ों मकोड़ों को उगाया जाए, चाहे फसलों को उगाया जाए, चाहे फलों को उगाया जाए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जिनको यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उनका सैंपल लेके डॉक्टर कहता है कि हमको यूरिन का कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद उसमें विभिन्न एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे ताकि मैं आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए अच्छे से काम कर रही है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो कल्चर मतलब बैक्टीरिया को भी हम लोग उगाते हैं तो उसको भी कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेसिकली रिलेटेड होता है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, और पशुपालन भी उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर कहते हैं, इसमें खेती भी शामिल होती है। तो अगर कोई कहे कि खेती में पशुपालन भी आता है, हाँ पशुपालन भी आता है। दूसरा, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या होता है कि रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। ये बेसिकली कहाँ पर होता है, सहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पे रेशम के कीटे पाले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा फिर यह है, इसके बाद पिसीकल्चर, पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। ठीक है, डायरेक्टली ये पीसीएस में कभी मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। तो पीसी कलर कल्चर होता है जिसमें मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है, तालाब में या छोटे छोटे जो पोखर होते हैं वहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। और विटीकल्चर, विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती जैसे नासिक वगैरह में होती है। ठीक है,
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं, फल उगाते हैं, ठीक है। इसमें अलग 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 नाम भी हो जाते हैं, स्पेशली फूल फूल के लिए हम लेंगे, या वेजिटेबल के लिए लेंगे, या फलों के लिए लेंगे, ठीक है। तो इनका अलग अलग नाम होता है, ओवरऑल इनको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि, ठीक। अब देखते हैं कि कृषि तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एक कभी सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें ये होता है कि ये एक ब्लॉक लेवल में बनाऊंगा, ब्लॉक से, जैसे इसको बोलेंगे इनपुट, ठीक। और इनपुट जब होगा तो यहाँ पर होगी प्रोसेस, प्रोसेस होगा तो फिर निकलेगा क्या, आउटपुट। और ये आउटपुट जो है कितना हमको चाहिए उसके हिसाब से हमारा फीडबैक देगा, और उससे हमारा प्रोसेस चेंज होगा, प्रोसेस से गति हमारी निवेश बढ़ेगा और सेव बढ़ेगा। तो इनपुट को हमने माना निवेश, प्रोसेस हो गई प्रक्रियाएं, और आउटपुट हो गया जो हमें आखिरी जो उत्पाद प्राप्त होता है वो, ठीक है। अब खेती को एक तंत्र की तरह देखते हैं, तो इसका जो निवेश है वो क्या हो गया, जैसे बीज है, उन्नत बीज हो गए, फसलें हो गई, मशीन्स हो गई, और जो लेबर्स जो हमें मिल रहा है, सस्ता लेबर मिल रहा है, महंगा लेबर मिल रहा है, वो सारा जो है हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। और प्रोसेस क्या क्या होती है, प्रोसेस जैसे कृषि में होती है, जुताई होती है, बुआई होती है, ठीक है, उसके बाद सिंचाई होती है, निराई होती है। निराई क्या होता है, जैसे मान लो कि फसलें हैं, फसलें के बीच में जो, जैसे ये फसल है, कि ये फसल है, तो यहाँ बीच में जो छोटी मोटी घास होती है, इनको उखाड़ा जाता है, काटा जाता है, ठीक है। निराई हो गया, कटाई हो गया, फसल बनने के बाद जो उसको कटाई जा फली जो काटते हैं उसकी, तो कटाई हो गई, ठीक है। उसके बाद जो निर्गत निकलता है, आउटपुट जो आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, फसल मिलेगी, या अगर भेड़ है, पशुपालन है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, ऊन मिलेगा, और गाय वगैरह पाली है तो वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मुर्गे वगैरह पाले हैं तो कुटकुट उत्पाद मिलेगा, मतलब मीट मिलेगा और एग्स मिलेंगे, ठीक है, मीट और एग्स, ठीक। तो ये जो है सिस्टम है, और जैसे ही हमारा निवेश बढ़ाएंगे वैसे प्रक्रिया इंप्रूव होगी और आउटपुट होगा, तो मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं, तो ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ मैप के द्वारा ये समझाया गया है कि ये निवेश क्या क्या है, मशीन्स है, बीज है, रसायन है, ठीक है, प्रक्रम प्रोसेस क्या होता है, जुताई बुआई छिड़काव, निर्गत क्या है, हमें फसल मिली, ठीक। अब देखो निवेश के बारे में जो बोला है, इनपुट जो है वो कितने तरह के होते हैं और किस तरह से हो सकते हैं, तो एक होता है फिजिकल, ठीक है, ये आप इसको फिजिकल कह के, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल जो होता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ खास चेंज नहीं कर सकते, जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश हमें मिलता है उसमें कुछ खास हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो नेचुरल निवेश है, ठीक है। और वर्षा है, वो भी अपने हिसाब से होती है, हमारे कंट्रोल पे नहीं है, तापमान टेम्परेचर कैसा मेंटेन रहता है, सॉइल कैसे मेंटेन होगी, या वहाँ पर स्लोप कैसा है, स्थलाकृति जो है वो किस तरह से है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा मानवीय निवेश, मानव क्या क्या कर रहा है, जैसे हल, लकड़ी के हल से उसने लोहे का हल बनाया, ठीक है, ट्यूबवेल लगाया, मशीन्स, श्रम और भंडारण, ठीक है, ये सब चीज़ें उसने की, भंडारण के लिए जैसे मान स्टोरेज उसने बनाए, लेबर्स को मतलब पैसे दे के हायर किया, या फिर खुद उसमें काम किया, या मशीन्स उसने बनाई कटाई के लिए, बुआई के लिए, या केमिकल के लिए उसने रसायन यूज़ किए बहुत सारे, या जो भी उर्वरक उसने यूज़ किया, तो वो हमारा मानव निवेश पे आ जाता है, ठीक है, मानव ने क्या निवेश किया। तो अब ये समझते हैं कि आगे कि कृषि के प्रकार कितने हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है। तो अगर मेन इसका देखें तो कृषि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन भौतिक दशा और जो जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती है, कि जैसे मैदान है, पठार है, पहाड़ी है, तो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं, या उत्पाद की डिमांड कैसी है, मांग के अनुसार भी कृषि होती है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि जिसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक, तो जैसे शहर के जो आसपास के जो एरिया होते हैं, ग्रामीण एरिया होते हैं, वहाँ पर उसकी मतलब फसलों की, सब्जियों की मांग की वजह से वहाँ पर उगाई जाती हैं सब्जियां बहुत ज़्यादा, और वो सीधे वहाँ से शहर में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ठीक। तो मांग और प्रौद्योगिकी के स्तर पर, मतलब उसमें जो श्रम और टेक्नोलॉजी के स्तर पे, जैसे जैसे वहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल होगा, जैसे लेबर हमारे अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर कृषि भी डिफरेंट प्रकार की होती है। तो जैसे पहला कृषि है, जैसे निर्वाह कृषि जिसको बोलते हैं,
ठीक, दूसरा हो गया वाणिज्यिक। वाणिज्यिक जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर ये हमको ध्यान में रखना है कि इसमें बेसिकली हमको करना क्या है कि फसल या जो भी हमारा उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है एग्रीकल्चर के बाद, उसको हम सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। और जब हम निर्वाह की बात करते हैं तो जो भी हम उगाते हैं उत्पाद से, उससे अपना जीवन बसर करने के लिए हम लोग उसको कहते हैं, तो वो जीवन निर्वाह की आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो हम कृषि करते हैं वो बेसिकली अपना जीवन पालन करने के लिए होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास इतना उपज हम नहीं कर पाते कि हम उसको बाजार में सेल करके अपना प्रॉफिट भी कमा पाए। ठीक, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि बेसिकली आजकल जो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है कि रासायनिक खाद के स्थान पर, यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जैविक खाद यूज की जाती है। अब जैविक खाद में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि गाय का गोबर है, काउ डंग जो होता है, ठीक है, उसमें, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या जो हमारी फसल वगैरह कटती है उसका जो 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 हम लोग यूज़ नहीं करते उसको हम लोग खाद में कन्वर्ट करते हैं, जिसको जैविक खाद में यूज़ करते हैं। और जैसे प्राकृतिक जो पीड़क नाशक होता है, प्राकृतिक पीड़क नाशक में जैसे मान लो कि हम एक विनेगर है और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो है वीडिसाइड वो यूज़ करते हैं, और नेचुरल जो फर्टिलाइजर होता है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, उसको यूज़ करते हैं, जिससे कि हम फसलों का उत्पादन बढ़ाएं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो अनुवांशिक रूपांतरण है वो नहीं किया जाता है, जैसे कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो चीज़ें नहीं की जाती। जैसे मान लो कि बीटी वैगन वगैरह बनाते हैं ना, तो बीटी वैगन में क्या है कि उसमें अनुवांशिक चेंजेस किए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसको। तो बायोलॉजिकली जब एग्रीकल्चर होता है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं निर्वाह कृषि होती क्या है। तो कृषि जो इस प्रकार की जो कृषि है, वो कृषक परिवार क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, ये निर्वाह कृषि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो पारंपरिक रूप से इसमें क्या होता है कि कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत कम होगी, मान लो कि उसके पास है ही नहीं कोई बैल भी नहीं है कि वो बैल के माध्यम से जुताई करे, या फिर उसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो अपने ही हल से अपना जुताई कर रहा है। ठीक है, और पारिवारिक श्रम, मतलब परिवार के जो सभी लोग हैं वो सब मिलके खेत में भागीदार कर रहे हैं, सभी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो हमारा निर्वाह हो रहा है उसको बोलेंगे कृषि, जो निर्वाह कृषि उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी दो तरह से बांटा जा सकता है, एक को बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि, दूसरे को बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो गहन जो इंटेंस फार्मिंग, इसमें इंटेंस का जो मतलब ये है कि हमें एक ही फसल में, एक ही जो हमारा लैंड है इसमें एक से अधिक फसल हमें लेनी है, तब उसको बोलेंगे इंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करता है किसान, एक ही छोटे भूखंड में साधारण औजारों और अधिक श्रम से, मतलब बहुत काम करता है उसमें, और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु में। ठीक है, अब जो इस जो जमीन है उसकी उर्वरता इतनी रहती है कि उसमें वो कोशिश करता है कि एक से एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा सके। ठीक है, अब जैसे चावल है, चावल से मुख्य फसल है। ठीक है, जैसे मान लो कि कलकत्ता में क्या होता है, या वेस्ट बंगाल में, या बांग्लादेश में क्या होता है कि चावल की एक से अधिक फसल उगाई जाती है, असम में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अन्य फसलों में जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, ये सब फसल इस तरह से उगाता है कि जो जमीन की है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बनी रहे और फसल भी हमको मिलती रहे। तो इस तरह से वो एक ही भूभाग में, छोटे भूखंड में कई फसलें उगाने की कोशिश करता है। तो गहन निर्वाह कृषि बेसिकली कहाँ कहाँ होती है, ये दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी एशिया के जो सघन जनसंख्या वाले एरिया हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, और दूसरा है कि आदिम निर्वाह कृषि, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जो हमारे आदिवासी लोग ऐसा यूज़ करते थे, तो उसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, उसमें क्या करते थे, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण होता है। तो एक में क्या होता है कि जैसे मान लो कि उनके पास पशुपालन का ही एक सोर्स है, उसी से वो मीट, उसी से दूध, उसी से सारा ऊन वगैरह निकाल के उसको बेचकर उससे जो भी कमाई करते हैं उससे ही उनका रोजी रोजी रोटी चलता है। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारी ट्राइब्स आपने सुनी होगी, बद्दी वगैरह, तो जे एंड के वगैरह, या पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि जैसे
गर्मी आ गई, तो गर्मी में क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पर पहले थे और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर पशुचारण कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना स्टीप नहीं है, चढ़ने में दिक्कत होगा, तो इतना तो नहीं है, थोड़ा सा स्लोप कम ही होगा, तो यहाँ पर चढ़ के यहाँ पर उन्होंने पशु चारण किया। और जैसे मान लो कि ठंडी आ गई, तो ठंडी आएगी तो यहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी, तो वहाँ से वो ऊपर से नीचे आकर यहाँ पर पशु चारण करते हैं। तो यहाँ चलवासी पशु चारण, इसीलिए ये टर्म दिया गया चलवासी, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते रहते हैं अपने पशुओं को लेकर। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि स्थानांतरित कृषि में इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, मतलब जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो इसको स्लैश कर दिया, उन्होंने इसको काट दिया, काट के बाद इसको जला दिया और इसी की राख को जमीन में मिटा दी, मिला दिया, जिससे उसकी थोड़ा बहुत उर्वरता बढ़ गई और वहीं पर उन्होंने खेती की। और जब तक उसकी उर्वरता रहती है मिट्टी की, तब तक उसमें खेती करते रहते हैं। और खेती जब उर्वरता खत्म हो जाती है, तो वहाँ वो जमीन छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर वहाँ के पेड़ों को काटेंगे और फिर उनको जलाएंगे, फिर वहाँ पर कृषि शुरू करेंगे। तो इस तरह की कृषि को बोलेंगे स्थानांतरित कृषि, इसको झूम खेती भी बोलते हैं, और ये पशु चलवासी पशुचारण। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि समझ में आ गया। अमेजन बेसिन में होता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत में भी ये चीज़ें प्रचलित हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन। ठीक है, जब मान लो तीव्र पुनर्जनन होगा तो क्या होगा, ये तभी तो वहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ से छोड़कर दूसरी गया जगह गए, तो फिर ये पेड़ पनपते हैं, तो फिर जब भी आगे से लौट के ये तैयार होती है जमीन, तो वहाँ से फिर वापस वहीं पे आते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, तो वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है, ताकि मक्का, रतालू, ठीक है, आलू और कसावा, ये फसलों को उसमें उगाया जाता है। तो भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड में चले जाते हैं। तो वही जो मैंने बताया था, वही है इसमें। ठीक है, तो कर्तन और स्लैश कृषि, ठीक है, कर्तन होता है स्लैश, दहन होता है बर्न। ठीक, अब ये कुछ नाम दिए गए हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं या झूम खेती कहते हैं, मैक्सिमम में इसको मिल्पा कहते हैं, ठीक है, रोका कहते हैं ब्राजील में, लदांग कहते हैं मलेशिया में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है पीसीएस में। ठीक है, चलवासी, ठीक है, चलवासी जैसे सहारा में है, अर्ध शुष्क या शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया के जो ट्राइब्स हैं, भारत में कुछ स्थान जैसे राजस्थान है, जेएनके में, तो इसमें क्या होगा, कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ, जैसे मैंने बताया कि पशुओं के साथ वो चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जलवायविक गति जो गतिविधियां होती हैं वो भी बाधा करती हैं, और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे पशु वाली जो चलवासी पशु चारक हैं, ऊँटों के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भेड़, ऊँट, मवेशी या बकरियाँ मिलती हैं, इन्हीं से उनका दूध, मांस, खाल, ऊन और अन्य उत्पाद करते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा प्रकार है, इसको देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है, उसमें क्या होता है कि फसल उत्पादन हो रहा है, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु, ठीक है, किया जा रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी जो कृषि भूमि है, कृषिगत भूमि है, वहां पर अधिक पूंजी का उपयोग करके, यहाँ पर क्या होता है, पूंजी ज्यादा चाहिए होगी, लैंड भूमि भी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर मशीनों से ही आधा से ज्यादा काम होता है, क्योंकि बहुत सारा जमीन है, तो उसको मशीनों से ही किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर यही है कि वो एक इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री की तरह वो काम करते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये तीनों होती है। तो अनाज कृषि में बेसिकली अनाज उत्पादन करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फिर उसको बाजार में सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मिश्रित कृषि में क्या होता है कि मिश्रित कृषि में, खेती में क्या होता है कि सेम जमीन पर, सेम भूभाग में हम पशुचारण भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, पशुचारण गलत शब्द हो जाएगा, पशुपालन भी कर रहे हैं और वहीं पे खेती भी कर रहे हैं, और पशुपालन का जो, पशुओं का जो बाई प्रोडक्ट, उनका जो गोबर वगैरह होता है, उनका जो जो है उनका जो गोबर वगैरह होता है, उसको हम लोग खाद में यूज करते हैं,
ठीक है, मतलब उसको पेड़ यूज करता है, और पेड़ का जो चारा है उसकी जो निराई के दौरान जो चीजें बनती हैं, जो निराई के साथ जो घास फूस निकलती है, उसको पशुपालन पशु जो यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ हिस्सा जो है चारा के लिए भी होता है, जिससे पशुओं का भी पेट चलता रहे, ठीक है। तो रोपड़ कृषि, अब इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक उद्देश्य, मतलब उनको कमर्शियल सेल करना है, उनको उसी से प्रॉफिट कमाना है। तो उसमें क्या है, मेन रूप से गेहूं और मक्का कमाई मतलब उगाई जाती है, ठीक है। तो जो उत्तरी अमेरिका में जैसे मान लो पेरी की घास के मैदान है, यूरोप में स्टेपीज हैं, ठीक है। तो इन शीतोष्ण घास के जो मैदानों में है, इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा अनाज की कृषि की जाती है, जो बड़े बड़े फार्मों में की जाती है, जहाँ पर आबादी बहुत ही कम निवास करती है, दूर दूर तक निवास करती है, दूर दूर मतलब उनकी अवस्थी होती है, और बड़े बड़े फार्म होते हैं यहाँ पर, बहुत ही कम लोग उन फार्म में मशीनों के द्वारा काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे डाउन्स हो गया, डाउन्स भी शीतोष्ण घास के प्रकार में आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है, पम्पास की घास के मैदान हमें अर्जेंटाइना में मिलते हैं, वेल्ड्स के मैदान हमको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने शीतोष्ण घास के कुछ प्रकार यहाँ पे दिख दिए हैं। तो अत्यधिक ठंड इनके वर्धन काल को, मतलब इनको बढ़ाने को, जो फसल के बढ़ती है उसको बाधित करती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक। मिश्रित कृषि में जैसा मैंने बताया कि उसमें भोजन चारे की जो फसल है, ठीक है, भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल दोनों उगाने के लिए किया जाता है, और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो ये जो चारा है इसको पशु खाते हैं, और पशु का जो जो हमारा गोबर निकलता है उसको हम खाद में यूज़ करते हैं फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। तो यूरोप है, पूर्वी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटाइना, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक, और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अब ये जो एरिया दिखाया गया, ये पूरा एरिया हम लोग मैप में लास्ट में मतलब शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा है, ठीक। तो मिश्रित खेती वहाँ पर होती है। रोपड़ खेती क्या होता है, रोपड़ खेती में क्या होता है कि लार्ज बहुत ही बड़ा जो क्षेत्र होता है, वो केवल एक ही ओनर के हिसाब से, एक ही ओनर के अंदर चलता है, और उसमें ज़्यादातर जो काम करने वाले होते हैं वो मजदूरी पे लेबर रखे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो सामान्यतः जो है नगदी फसल होती है। नगदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या है कि सीधे उसको पेमेंट करेंगे, सीधे वो मार्केट में जाएगी और उससे वो कमाई करके, मतलब वहाँ पर नगदी फसल का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमको उसको सेल करके ही, मतलब हमने पर हमारा उद्देश्य ही है कि हम उस फसल को सेल करके पैसा कमाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो केला है, तो केला का अगर जो बहुत बड़ा बागान लगा दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि केले को हम ही खा लेंगे या किसान का परिवार ही खा लेगा, बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़ का ही वो भुगतान मतलब उपयोग करेगा, बाकी जो भी है वो उसको सेल करना है, उसी लिए उसने लगाए हैं, ठीक। बाकी जैसे कि चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, ठीक, ये एकल फसल उगाई जाती है, एक ही फसल बहुत ही लंबे मैदान में, लंबे भूभाग में उगाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पे लेबर चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, ताकि उसका प्रसंस्करण भी करना होता है। तो क्या होता है कि या तो खेत में ही उसको, जैसे कॉफी वगैरह है तो उसको सुखाकर, बीज को सुखाकर वहाँ पे वहीं पे प्रोसेस किया जाता है। जैसे चाय के बागान है तो वहीं पे, वहाँ पे चाय के बागान के थोड़ी पास, मतलब वहीं के पास में ही उसका चाय का फैक्ट्री भी होता है, तो वहीं पे लोग पत्तियां तोड़ के लेके आते हैं और सीधे वो प्रोसेस हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो कारखानों के पास ही उसके जो खेत हैं, वहीं उन्हीं के पास कारखाने भी होते हैं, वहीं पर तुरंत तुरंत प्रोसेस हो जाता है, और प्रोसेस होने के बाद वो तुरंत मार्केट में सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर परिवहन का एक वेब भी, मतलब ट्रांसपोर्ट वेब भी होता है, कि मतलब तुरंत फसल के आसपास हमारा कारखाना, तो सीधे यहाँ से फसल गई कारखाने में, कारखाने में तैयार होकर फिर वो सीधे बाजार की तरफ जाती है, ठीक है। रोपड़ कृषि का जो मुख्य क्षेत्र है वो विश्व का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे मैंने बताया था पहले कि ये 0 डिग्री है इक्वेटर अपना, तो यहाँ पे 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है। तो ये जो एरिया पड़ेगा इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ही पाया जाता है ज़्यादातर जो रोपड़ का मुख्य जो क्षेत्र होता है, ठीक है।
अब इसमें जो नाम दिया गया कि जैसे मलेशिया में रबड़ है, रबड़ पाई जाती है एज ए रोपड़ कृषि, ब्राज़ील में कहवा, और भारत में और श्रीलंका में चाय पाया जाता है। अब जैसे भारत में क्या चाय होगी, असम वगैरह में हो, वेस्ट बंगाल में चाय है, ठीक है, तुम्हारा ये नीलगिरी के आसपास जो एरिया है, जैसे केरल में है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है और कुछ हिस्सा कर्नाटका में भी आता है, ठीक है। तो अब थोड़ा मुख्य फसलों के बारे में देख लेते हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक। तो बढ़ती हुई, अब जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो क्या होगा कि उनके खाद्य संसाधन की आपूर्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी पड़ेंगी, ताकि उनका खाने का खाद्य संसाधन की आपूर्ति हो सके, ठीक। तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए भी कच्चे माल के लिए हमें फसलें उगानी पड़ेंगी, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सॉरी बाजरा, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं, ठीक है। और जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, इनके जूट से जैसे मान लो बोरे वगैरह बनते हैं, और कपास से हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं रेशेदार, ठीक है। तो और चाय और कहवा हमारी पेय फसल है, ठीक। तो अब इन फसलों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे चावल है, ठीक, तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल खाई जाती है तो वह चावल, ठीक है, मुख्य खाद्य फसल है, ठीक। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये मुख्य आहार है, ठीक। चावल के लिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, आर्द्रता अधिक चाहिए होगी और वर्षा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में चावल का जो सीजन होता है, जो खरीफ की फसल होती है, उस समय क्या होता है, मानसून आ रहा होता है। तो जब मानसून आ रहा होता है तो क्या होगा कि तापमान भी अच्छा खासा रहता है, और पानी की वजह से, मानसून की वजह से आर्द्रता भी अच्छी होती है और वर्षा भी होती है, ठीक। और यहाँ पे एक जो उसके लिए मिट्टी चाहिए होती है, वो चीका युक्त जड़ोल मृदा चाहिए होती है। चीका मतलब क्या होता है, उसमें क्ले जो होता है, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे मिट्टी का कंसंट्रेशन के लिए इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है, जिसमें ये है, जैसे मान लो सैंड है, ठीक, ये है क्ले, ठीक है, सैंड और क्ले, और इसको बोलते हैं सिल्ट। ये तीन चीज़ों का मिश्रण ही उनका जो प्रकार है वो चेंज करता है। अब जितना ज़्यादा क्ले होगा उतनी ज़्यादा वो मिट्टी जो है जल को रोकने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी काली मिट्टी भी होती है, तो सर्वोत्तम ढंग से इसमें चावल की उत्पत्ति होती है, चावल उसमें पैदा होता है, ठीक है। तो चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे नंबर वन है, उसके बाद भारत आता है, फिर जापान आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर मिस्र आता है, ठीक है। अनुकूल जलवायु दशाओं, जैसे मान लो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या होता है कि एक ही वर्ष में तीन तीन फसलें उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी भी मिल जाती है, क्योंकि डेल्टा है और गंगाई नदी वाला क्षेत्र पड़ता है, उपजाऊ एरिया, और दूसरा वहाँ पर बारिश भी बहुत होती है। तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बारिश भी हो रही है, दूसरा नदियों का पानी भी इतना उपलब्ध है, तो वहाँ पर साल में तीन फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और ये फसल खरीफ के फसल कहलाती, खरीफ के सीजन में जून, जो जून में बोई जाती है, खरीफ की फसल में ही आता है चावल, ठीक। और जैसे गेहूं है, गेहूं के लिए, गेहूं का जो ग्रो टाइम होता है, वर्धन काल जो होता है, उसमें क्या होता है कि मध्यम टेम्परेचर चाहिए होगा, तो मध्यम टेम्परेचर कहाँ होगा, हमारी ठंडी वाले उसमें होगा, मौसम में होगा, ठीक। तो वहाँ पर वर्षा भी चाहिए, और जो फसलों का कटाई का जो टाइम होता है, उस समय धूप भी होनी चाहिए। तो वो हमारे जो फरवरी लास्ट और मार्च वाला जो टाइम होता है, वहाँ पर हल्की मतलब तेज धूप रहती है और मध्यम तापमान भी वहाँ रहता है, ठीक है। और इसका जो विकास, जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम होती है। दोमट मिट्टी का जो प्रकार होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें 40% जो है बालू, 40% गाद सिल्ट जिसको बोलते हैं, और 20% क्ले होती है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसे जहाँ पर बालू ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर पानी थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। अब अगर जहाँ पे क्ले ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक। तो गेहूँ अभी भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में ही मध्यम तापमान होगा, वर्षा कम होगी, मध्यम कम होगी, और जो उसके बाद जो उसका काटने वाला टाइम होगा, वो मार्च फरवरी मार्च का जो टाइम होता है, वहाँ पर तेज़ धूप होती है, ठीक है। और तीसरा अगर खाद्य उत्पाद देखते हैं, तो उसको बोलते हैं मिलेट, ठीक है। मिलेट का मोदी जी ने अभी नया कुछ नाम दिया था उसको, उसको कहते हैं श्री अन्न, मोदी जी ने इसका नाम दिया था, और कर्नाटका में इसको पहले श्री धन कर धन्य
ये धान, ये धन्य, ऐसे करके नाम है इसका। तो इससे उन्होंने इंस्पायर होकर श्री अन्न कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको क्या कहते हैं, 2023 को मिलेट वर्ष भी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये मोटा अनाज, ये इस तरह से क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस ये किस तरह से, इस तरह का वो है फसल है जिसको हम बहुत ही कम वर्षा चाहिए और हाई से मतलब मीडियम से हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है, पर्याप्त रोशनी उसको जितनी भी मिले उतनी गर्मी वो झेल सकता है, उसके बावजूद भी हो जाएगा उसको बहुत ही कम उपजाऊ फसल में, बहुत कम उपजाऊ अगर मिट्टी भी है तब भी हो जाएगा, बलुई मिट्टी में भी हो जाएगा। तो मतलब ये समझ लो कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है और कम वर्षा वाला भी है, टेम्परेचर भी बहुत लंबा मार्जिन झेलता है कि मतलब मीडियम से लेके हाई टेम्परेचर तक भी ये पैदा हो सकता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए ये सबसे बेस्ट फसल है कि बहुत ही कम मतलब इसको नुकसान होता है तापमान और उन सब चीज़ों से। तो इंडिया में इसके जो प्रकार हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, भारत में उगाए जाते हैं, और अन्य देशों में जैसे नाइजीरिया है, चीन है, नाइजर है, इसके अन्य उत्पादक देश हैं, ठीक है। और अब देखते हैं मक्का, ठीक है। तो मक्का के लिए क्या है कि मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप वाला जो उसकी आवश्यकता होती है, ठीक। तो यहाँ पर सुअपवाहित जो उपजाऊ मृदा है, ठीक, वो चाहिए। उत्तर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो मक्का को कॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे कभी पिंक आपने भी देखा होगा, येलो आपने देखा ही होगा, और इसके अलग अलग रंग में भी आते हैं, ठीक। कपास, कपास के लिए स्पेशलिटी है कि कपास को 200 से 210 दिन पाला रहित चाहिए होता है, ठीक है। अगर पाला पड़ गया तो कपास की फसल जो खराब हो जाती है। कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा और दो या दो से, ठीक है, मतलब 200 से 210 तक दिन का वो चाहिए होता है, 200 से 210 दिन पाला रहित, ठीक है, दिन, और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो ये काली और जलोढ़ मृदा की सर्वोत्तम उगती है। जैसे मैंने बताया था कि काली मृदा और जलोढ़ मृदा, इसमें क्या होता है, क्ले ज़्यादा होता है, तो क्ले ज़्यादा होगा तो पानी रोकने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक। तो चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, ब्राज़ील में, मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। ये जो देश हैं ये अग्रणी उत्पादक हैं कपास के, ठीक। तो यह सूती वस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, क्योंकि कपास से ही हमारा कपड़े बनते हैं और जो सूती वस्त्र बनते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक। अब देखते हैं ये देख लेते हैं फैक्ट है कि कॉफ़ी के पौधे की खोज कैसे हुई थी। तो क्या हुआ था कि 850 में एक कालादी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी चराने गया था, ठीक है। तो उसने देखा कि उसकी बकरियां कुछ उछल कूद कर रही हैं, हरकतें कर रही हैं, ठीक है, जो उसको अब नॉर्मल लगी। तो एक दिन उसने भी उसने कोई देखा कि जो बकरी है कुछ खाई है, उन्होंने कुछ फसल कैसी खाई, कुछ पेड़ों की ऐसी फलियां खाई हैं जिनकी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। तो उसने भी उन फलियों को चखा और उसको भी जो आनंद आया, ठीक है, तो उसने आनंद का अनुभव किया। और उसके बाद फिर उसने संसार को चीज़ें बताई कि ऐसे ये फसल है, इसको मतलब ये फलियां खाकर आप थोड़ा सा आनंद एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉफ़ी का खोज होता है, ठीक है। अब देखते हैं पटसन क्या होता है। पटसन एक सुनहरा रेशा होता है, ठीक है, जड़ोल मृदा में अच्छी तरह से उगता है, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ये उगाई जाती है पटसन। तो इंडिया में और बांग्लादेश में ये पटसन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, ठीक है। सुनहरे कलर का इसका रेशा होता है। तो भारत में और बांग्लादेश में पटसन के सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं। कॉफ़ी के बारे में जैसे मैंने पढ़ा बताया कि अभी कॉफ़ी का कैसे उन्होंने खोज किया था, ठीक है, कालादी ने, अरबवासी जो थे। अब कॉफ़ी क्या होता है कि इसके लिए क्या है, गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होगी, दोमट मिट्टी चाहिए। तो दोमट में मैंने बताया था कि 40% सैंड है, 40% और सिल्ट है, और 20% क्ले है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जरूरी है। अगर यहाँ ढाल नहीं होगी तो पानी रुक जाएगा और मतलब ऐसे
इस तरह से ढाले यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पेड़ है, तो अगर यहाँ पे पानी रुक जाएगा तो ये फसल खराब हो जाएगी, तो उसके लिए ढाल की ज़्यादा जरूरी होता है। और ब्राज़ील जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी उत्पादन करता है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने में ब्राज़ील नंबर वन है, उसके बाद नंबर टू में कोलंबिया है, नंबर थ्री में भारत है। ठीक, चाय के बागानों के बारे में देखते हैं। तो चाय के बागानों में उगाई जाने वाली, मतलब चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो ठंडी जलवायु जैसे हाइट में होना चाहिए, दूसरा वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा का भी समान मतलब वितरण भी ठीक ठाक हो, और इनको भी स्लोप चाहिए होता है हल्का सा, तो स्लोप चाहिए होगा ताकि यहाँ पे पानी रुके ना और पानी सारा बह जाए, और इसको भी दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक, और इनमें पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिक लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए देखो आपने देखा होगा, और कुछ आपने देखा होगा इस तरह से टोकरी रखते हैं पीठ पर टांगने के लिए, यहाँ पर ही वो फसल वो पत्तियाँ डालते रहते हैं और फिर इसको उसमें प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का कृषि का जो डेवलपमेंट है। ठीक, अब जैसे बढ़ जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, तो जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए खाद्यान्न भी चाहिए, तो खाद्यान्न के लिए क्या होगा कि ज़मीन तो हमारी फिक्स है, तो ज़मीन अगर फिक्स है तो या तो हम पेड़ों को काट कर वनों को काट कर कृषि क्षेत्र बढ़ाएं, या फिर सेम स्थान की हम वो उत्पादकता बढ़ाएं। ठीक है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो उन्नत बीज यूज़ कर दें, ठीक है, या फिर फसलों को ही इस तरह से अरेंज करें कि एक ही भूभाग में हम एक साथ मतलब एक साल में तीन तीन से चार फसल उगा सकें। ठीक, और सिंचाई सुविधा करके सुधार कर सकें, या फिर उसमें ऐसा उर्वरक डालें, या फिर बीजों का ऐसा प्रयोग करें जो ज़्यादा उत्पाद दे सके। ठीक है, तो ये मतलब कृषि का जो विकास है बेसिकली डेवलपमेंट है, कि हमें लोगों को उनकी बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उनको खाद्य उपलब्ध कराना है ताकि उनका पोषण सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा बनी रहे, तो इस वजह से हमें ऐसा करना है। तो कृषि के विकास का जो क्लाइमेक्स है, मतलब उसका मैक्सिमम लक्ष्य यही है कि हमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में अब विभिन्न गतियों से हुआ है, मतलब ये डिपेंड करता है कि वो देश कैसा है, वो विकासशील है या विकसित देश है, इस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब जैसा अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और वो विकासशील देश है तो वो क्या करेगा, उसके पास जमीन भी कम है, तो वो एक ही फसल में मतलब एक ही भूभाग में एक से अधिक फसलें उगाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो वो छोटी जोतों में से दिया कि जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, बड़ी जोतों में क्या होता है कि वाणिज्यिक फसल के लिए फसलें उगाई जाती हैं ताकि वो बेचकर पैसा कमा सके। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया, ये विकसित देश हैं, यहाँ पर फसलें जो है बड़े बड़े फार्म में उगाई जाती है, और वहाँ पे क्या होता है उसको सेल करके फिर पैसा कमाया जाता है। ठीक, अब खाद्य सुरक्षा क्या होती है, तो खाद्य सुरक्षा क्या होता है कि इसके बारे में बोला जाता है कि ये तभी सुनिश्चित रह सकती है कि जब किसी व्यक्तियों जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील एवं और जो क्रियाशील और स्वस्थ जीवन के लिए, ठीक है, अब एक्टिव हो और हेल्दी लाइफ हो, उसके लिए क्या होगा कि आहार की जो उसकी आवश्यकता है और प्राथमिकता के अनुसार हर समय पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक आहार उसको मिले, तभी हम ये कह सकते हैं कि उसकी खाद्य सुरक्षा है, उसको मतलब उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक कंपेयर किया गया है कि इंडिया का एक किसान है और अमेरिका के किसान है, तो उस तरह से इसको कंपेयर किया गया। तो जैसे भारत में क्या होता है कि भारत में लैंड साइज बहुत कम है, 85% जो हमारे किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो जब 85% किसान ऐसे हैं जिनके 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया जिसकी 1.5 हेक्टेयर ही है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अधिक बीजों मतलब अधिक उत्पादन वाले जो बीज हैं, उस अधिक उपज वाले जो बीज हैं उनको बाजार से खरीदता है एक एक वर्ष के अंतराल में। ठीक है, और भूमि जो उसकी उर्वर है उसमें एक से अधिक फसल उगाने की कोशिश करता है, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है। तो किसान अपने मतलब उनसे क्या कहते हैं, सरकारी जो कृषि अधिकारी है उनसे सलाह भी लेता है कि क्या बोया जाए क्या ना बोया जाए। ठीक है, किराए पर ट्रैक्टर लेता है, बैलों से भी अपना जोतने की पारंपरिक विधि है, उसके कुछ दोस्त ऐसा करते हैं अभी भी, तो किराए में ट्रैक्टर लेके अपना जोत लेता है। सभी वो उसके घर खेत के जो पास है कुछ मतलब कुआं भी है, मतलब नलकूप लगा है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां से वो
सिंचाई के लिए भी उसको पेमेंट करता है कि हाँ सींच रहा है। तो मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक ये फैक्ट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लगभग 50% पॉपुलेशन जो है इंडिया में एग्रीकल्चर में लगी हुई है, 50% पॉपुलेशन। और ये क्या करती है, जीडीपी में 17 से 18% ही कंट्रीब्यूशन कर पाती है, ठीक है। ये इंडिया का एग्रीकल्चर का डेटा है, 50% पॉपुलेशन 18% ही जीडीपी में योगदान कर पा रही है। ये लगभग 2017-18 का डेटा है, अभी तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी हैं इसमें, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि खेत सिंचाई के लिए भाड़े पर ले लिया, उसके पास दो भैंसे भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, तो उससे वो क्या कर रहा है कि दूध बेचकर सहकारी समिति में भी पैसा अपना कमा रहा है, मुर्गियों को बेचकर मीट के लिए और अंडों को सेल करके वो अपना ऊपरी कमाई कर पाता है, ठीक है। एडिशनल उसका जो इनकम हो पाता है उससे होता है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी उसको बैंक से और जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ से उसको बीज भी लेने पड़ते हैं, उन्नत औजार के लिए उसको ऋण लेना पड़ता है, ठीक। भंडारण की भी सुविधा नहीं है, तो उसको क्या करता है कि अपने लिए जो भी खाना हुआ, मतलब जो भी खाद्यान्न हुआ उसको बचाया, बाकी सब सीधे उसको बाजार में औनों पौनों दामों में उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो उसके उसके लिए वो भी नहीं है कि वो सही दाम के लिए उसका वेट कर सके, ठीक है। तो बाजार के अनुकूल ना होने पर, हाँ वही मतलब जैसे ही उसको दामों पे उसके बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, ठीक। अब यही अगर अमेरिका का देखते हैं, तो अमेरिका के फॉर्म में क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि इंडिया के फॉर्म में बहुत बड़ा है, इंडिया के फॉर्म की तुलना में, ठीक है। लगभग वहाँ पे एवरेज जो है वो 250 हेक्टेयर के हिसाब से, यहाँ पर क्या है कि 2.5 हेक्टेयर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब 2 हेक्टेयर से ही नीचे ही 85% है, यहाँ क्या है 250 हेक्टेयर है। तो क्या होता है, किसान जो सामान्यतः वही फॉर्म में ही रहता है, वहीं पे मक्का सोयाबीन गेहूं चुकंदर जैसी फसलें उगाता है, मक्का भी है सोयाबीन है गेहूं, ठीक। तो ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म की फोटो दिखाई गई है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है होरान, इसके पास क्या है 300 हेक्टेयर की भूमि है। तो मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा जल इस संसाधन की। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वो पहले श्योर हो जाता है कि उसको मृदा मिट्टी उसकी अच्छी है और वहाँ पर जल संसाधन उसको उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो उसके बाद वो फसल उगाता है। मतलब उसको पता है कि मृदा में क्या क्या पोषक तत्व तो हैं, तो क्या करता है मिट्टी का अपने सैंपल भेजता है लैब में, तो उस लैब का उसका टेस्टिंग होके वो बताते हैं कि उसमें पोषक तत्व तो पर्याप्त है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें उर्वरक कार्यक्रम से वो मदद लेता है कि क्या क्या उसमें डाला जाए जिसको उसको पोषक तत्व तो पूरे हो जाए। और अगर वो बोले कि नहीं ठीक है आपकी मिट्टी सही है, तो फिर वो ये देखता है कि हमारी जो जल के संसाधन है उसकी सुविधा कैसी है, बारिश वारिश होगी कि नहीं, मौसम उसका कैसा रहेगा। तो उसका जो घर पे जो कंप्यूटर है वो भी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, तो वो खुद देख सकता है कि उसमें कब बारिश कब होने वाली है, कब उसको बोना चाहिए, ठीक। और वो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह की टेक्निक यूज़ करता है ताकि वो कीटनाशक का छिड़काव कर पाता है, पीड़क नाशक का छिड़काव कर पाता है, जिससे कि एक समान छिड़काव भी होता है, दूसरा कम छिड़काव से उसका काम चल जाता है, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरकों को आवश्यकता अनुसार उसका छिड़काव करता है, और ट्रैक्टरों से और बीज बोने की मशीनों से वो बीज बोता है, ठीक है। बीज बोने की मशीन क्या है कि उसको लेवल भी बराबर कर देती है, और यहाँ पर क्या है इंडिया में क्या है कि उसको खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है, हार्वेस्टर जो है, ठीक, हार्वेस्टर थ्रेसर। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि फसल बन गई, तो वो एक ही मशीन से कट भी रहा है और उसी मशीन से वो थ्रेसिंग से फिल्टर होके सीधे अनाज भी निकल रहा है, बार बार उसको अलग अलग प्रोसेस नहीं करना है कि कटना, काटने के बाद फिर उसको पीटेंगे, फिर थ्रेसिंग में डालेंगे, फिर उसके बाद अनाज निकलेगा, तो एक ही मशीन से वो सारा काम एक साथ हो रहा है। और अनाज जो ऑटोमेटिक अपने भंडारण से अनाज भंडारण में संचित भी किए जा रहे हैं, ठीक है। और बाजार अभिकरण मतलब सीधे वो मार्केट एजेंसी में भी सेल हो जाता है, मतलब सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट पे है कि हाँ कि यहाँ से आया और इस कंपनी में खरीद जाएगा, इस मार्केट में चला जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा एक इंडस्ट्री की तरह किसान काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे फसल हुई और कटाई हुई, और वहाँ से तुरंत वो खाद मतलब तुरंत वो विक्रेता के पास अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। इस वजह से किसान जो यूएसए में है वो मशीनीकृत खेती करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो 1 से 3% ही है, नहीं 3 से 5% ही है जो खेती करती है, और ये 3 से 5% जीडीपी का 1 to 3% पैदा कर लेती है,
अब आपका जीडीपी रेशियो भी ज़्यादा है, जीडीपी का अनुपात भी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है जीडीपी, तो इस तरह से वहाँ पर देख रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि 50% जो पॉपुलेशन है रोजगार है वो क्या कर रहा है, 18% लगभग जीडीपी पे योगदान कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि 3 से 5% लोग जो हैं वो 1 से 3% का जीडीपी में योगदान कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, मैंने इतना डिटेल में बताया है, और अगर आपको डाउट होता है तो उस क्लास को दोबारा देखिए। ठीक, तो एमसीक्यू में देखते हैं कि उद्यान कृषि, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उद्यान में फलों फूल, ठीक है, और जो बगीचे वाला का जो कृषि होती है वो सब हमारा उद्यान कृषि में आता है। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, पटसन को बोला जाता है। कॉफी के प्रमुख जो उत्पादक है उसमें ब्राजील सबसे नंबर वन है, ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, फिर कोलंबिया बीच में आता है सेकेंड नंबर पे। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।